वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो देखिए, सुबह सुबह ना आजकल यही हालत होती है मेरी, इसीलिए मैं तो चालाकी से ना बेड से ना उठना पड़े इसीलिए मैं बेड पे ही थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ और बेड पे ही पढ़ाई भी कर लेती हूँ। उठ के काम का काम भी हो गया और आलस का आलस भी रह गया। अब क्या करे, इतनी ठंड है तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। इसीलिए जब तक मेरा आलस सुबह सुबह खत्म नहीं होता तब तक मैं बेड पे ही रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी देखिए लंच की तैयारी कर रही है और आज ना लंच में बनने वाला है मिक्स वेज, जिसके लिए देखो कितनी सारी सब्जियां लेके मम्मी बैठी है काटने के लिए। वैसे मैं सब्जी ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये जिसमें इतनी सारी सब्जियां डली रहती है लेकिन फिर भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। 3 hours later आहा, देखो कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है हमारी मिक्स वेज की, और इसके साथ हम लोग खाएंगे पराठा। और आज हमारे घर में एक कांड हो गया, हमसे नहीं भाई, मम्मी से। ये देखो मम्मी खाते खाते उनके हाथों से चटनी जो है बादाम की वो गिर गई, और मम्मी अभी भी मजे से खाना खा रही है। लेकिन अगर ये चीज हमसे गिरी होती ना तो मम्मी इतना सुनाती कि हमारे कानों से खून निकल गया होता। और देखो खुद से गिरी तो हंस रही है। हाँ नहीं तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी जाती हूँ और फटाफट से लंच कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है क्लास, तो फटाफट से लंच करके उसके बाद फिर निकलते हैं क्लास के लिए। 3 hours later तो फाइनली 3 घंटे के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस घर पे। भाई घर आके ना अलग ही सुकून मिलता है, बाहर इतनी ज्यादा ठंड है ना कि घर आने के बाद बड़ा अच्छा गरम गरम लगता है। पापा यहाँ पे मूंगफली लाए और देखते किसको मिलता है शुडुगु में से। कौन है, डुगु भैया है कि तुम है, कौन है? तुम है? अच्छा वहीं खड़ा रहो। अजी बताओ कैसे तुम गुड बच्चा है, बताओ। मैं पढ़ाई से गुड बच्चा हूँ। पढ़ाई से? हाँ। क्या करता है पढ़ाई में भाई? को नहीं बनाई, सीधे खाना खा के सो जाएगी। सीधे खाना खा के सो जाएगी? तुम लोग कहाँ रहेगा फिर रात में? यहीं पे। हम तो निकाल रहे हैं घर से बाहर, हमारे घर में जगह कहाँ है? तुम्हारा तकिया भी नहीं है, तुम्हारा चादर भी नहीं है, कहाँ जाएगा तुम? तो अभी देखो रात के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। हालांकि मम्मी का काम हो गया इसलिए मम्मी लैपटॉप बंद करके ऊपर जा रही है खाना बनाने के लिए, बट मेरा थोड़ा सा काम है, मुझे थोड़ा फ्रंट पेज बनाना है 2-4 चीज़ों का, इसलिए मैं अभी बैठने वाली हूँ और काफ़ी देर तक बैठने वाली हूँ। आई थिंक मुझे सुबह के 1:30 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो मैं आर्ट का काम कर रही हूँ, आर्ट में मैं ऐसी गुड़गोबर हूँ, मुझको एक फ्लावर बनाने के लिए ना 1 घंटे का टाइम लगता है, इसलिए मुझे 1:30 आराम से बज जाएंगे। मम्मी जा रही है ऊपर और हम करते हैं अपना काम। और ऐसे नहीं है कि मम्मी ऊपर जाते के साथ सीधा काम करने में लग जाती है, नहीं, मम्मी पहले ऊपर जाएंगी, उसके बाद फिर उनका जो दुलारा बेटा है ना, प्यारा बेटा, उसको सबसे पहले प्यार करेगी, सबसे पहले उसको खाना खिलाएगी, उसके बाद हमें खाना मिलेगा। मम्मी तो इतना प्यार करती है ना बन्नी को, कभी कभार हमें ही लगता है कि हम लोग ही अडॉप्टेड है और बन्नी घर का बच्चा है। सही में कभी कभार बड़ा जलन होता है मेरे को बन्नी से। प्यार तो कर ले थोड़ा, प्यारे कर ले। तो अभी रात के 3 बज गए, मैं जब से काम कर रहे बैठी थी ना अपना वो असाइनमेंट वाला, मैं तब से करते जा रही हूँ। सबका फ्रंट पेज बनाना था, और सही बताऊँ ना तो मैंने असाइनमेंट में कुछ अच्छा खासा कुछ ड्राइंग वगैरह किया नहीं है, तो मैंने सोचा फ्रंट पेज अच्छा बना दूँगी तो थोड़े मार्क्स इधर उधर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं भैया हम लोग। तो फिलहाल 3 बज गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से सोते हैं क्योंकि बहुत भयंकर नींद आ रही है। तो आप सभी को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।